इमाम सौरसन मैं मोहम्मद असद मैं रहमतुल्लाह गुलाम सलमान आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब और चलते हैं शेयर भाई की वीडियो। वीडियो का टाइटल है सऊदी बैग्स इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तान। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। आप ये देख लीजिए कि सऊदी अरब में यूएई में इन गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा लेबर भारत की है। हम भारत को डिक्लेयर करते हैं कि वो हिंदू स्टेट है जबकि यूएई और बाकी गल्फ स्टेट ने इस वजह से रखा हुआ है कि वो इकोनॉमी अच्छी है उसकी, उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। इंडिया ने खुद को मनवा लिया है। इंडिया के लोग हर लेवल पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ खाक रूप भी इंडियन है और आप दुनिया में बड़ी 5 कंपनीज के सीईओज भी इंडियन है। अगर हम बात करें ना सऊदी अरब इतने स्टांस नहीं ले रहा है कश्मीर के इशू पे, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में पाकिस्तान से 100 बिलियन ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर 20 बिलियन की है तो वहाँ पर 120 बिलियन की है। ये ना हो के कल को कश्मीरी कह दें भाई आप मर जाओ, हम कश्मीर हम यहाँ आएंगे नहीं। किस कल की बात कर रहे हैं? अच्छा। ये गुजरे हुए कल में हो चुका है, आज भी हो रहा है। आप कभी यही माइक लेके कश्मीर चले जाएं और आप कश्मीरियों से ये पूछे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आप आज़ाद रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 5% कश्मीरी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मगर ना कश्मीरी ये कह चुके हैं कि भाई या तो हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए या हमें इंडिया के साथ रहने दो। असल में इंडिया जो है ना वो आजकल 18 ममालिक में इंडिया की तो सिर्फ करेंसी चलती है, वो इसके खिलाफ वो वार इन चीज़ों के बारे में नहीं चलती। वो अब अपनी इकानमी पे जोर दे रहे, पाकिस्तान में इकानमी डाउन है। आप वो मोदी का मुझे शर्म आ रही है उसकी मिसाल लेते हुए, मोदी की पिछले साल की एक तकरीर थी वो सियासी कटहरे में जो उसकी होती है, वो कहता था कि मैं पाकिस्तान से जब भी सुलह की बात करने गया हूँ मुझे समझ नहीं आती मैं किससे बात करूँ, आर्मी से बात करूं, पॉलिटिकल उनकी सियासी क्यादत से बात करूं, मैं किससे बात करूं, मैं आईएसआई से बात करूं। इन्होंने ये मैंने ये सुना है उन्होंने डायरेक्टली बोला था, तो क्या उनकी बात से आप डिसएग्री करते हैं, क्या उन्होंने ये गलत बोला है? इस वक्त जो G20 का जो सदारत का वो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है, तो इंडिया तो ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को। और आप अगर देखें तो हमारे जो वो FM था वो जो क्या नाम बिलावल जो उधर गया था उसके साथ क्या हो गया था। इंडिया तो आपको हर फोरम पे वो शर्मिंदा करना चाहता है। जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब नेक्स्ट वीक कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहा है और लास्ट वीक U20 की अगर बात करें जो कि कश्मीर में हुई उसमें तुर्की ने पार्टिसिपेट किया। आज पाकिस्तानी पब्लिक से ये बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज G20 की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो पाकिस्तान का एक बयानिया है पाकिस्तान की तरफ से जो एक स्टांस है उसको डिसएग्री करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़काउर रहमान। आपका नाम? असद रजा। क्या करते हैं आप? तालिबे इल्म हूँ। किस फील्ड में क्या डिग्री कर रहे हैं? मैं फील का तालिबिल हूं और मेरी डिग्री माशियात है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें, OIC की बात करें और फिर कश्मीर की बात करें तो OIC बनाया किस वजह से गया था, मतलब मेन मकसद जो था कश्मीर था या नहीं? मेन मकसद तो मुस्लिम ममालिक के मुतलक जितने भी मामला थे वो थे और कश्मीर भी एक मुस्लिम ममालिक से मुंसलिक मसला है तो ज़रूर कश्मीर भी उसके प्लेटफॉर्म पे है। जबरदस्त। G20 की मीटिंग्स कश्मीर में होने जा रही हैं, कुछ हुई भी हैं और कुछ आगे होने जा रही हैं, आपको इस चीज़ का नॉलेज है, इल्म है? जी इस बारे में मैं जानता हूँ कि इंडिया G20 की मीटिंग कश्मीर में करवाने जा रहा है। ठीक है। अभी सऊदीया ने वो अनाउंस किया है कि हम G20 की जो मीटिंग है नेक्स्ट वीक होने जा रही है जो कि टूरिज्म के हवाले से इंडिया करवाने जा रहा है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे। रिसेंटली तुर्की ने G20 का ही वो पार्ट था Youth 20 के नाम से उसमें पार्टिसिपेशन की, मतलब OIC का फिर मकसद कहाँ गया जब तुर्की ने भी पार्टिसिपेशन कर ली, सऊदीया ने भी अनाउंस कर दिया और दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि रिलेशन मोरक्को या इस तरह के कई कंट्रीज हैं, क्या कहना चाहिए? असल में ये बात हमें बड़े खुले दिल से तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अगर हम पहले से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दुनिया जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मुंसलिक हो गई है। अब दुनिया में आपकी दोस्ती उस मुल्क के साथ होगी या आपके साथ वो मुल्क दोस्ती करेगा अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, अगर आपकी ट्रेड अच्छी है, अगर आपका ट्रेड बैलेंस अच्छा है तो आपके साथ दोस्ती की जाएगी। ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया तकरीबन 1.5 अरब आबादी की मार्केट है। हमें एतराज़ होता है जी उसके साथ UAE क्यों तल्लुक बनाता है, उसके साथ सऊदी अरेबिया का तल्लुक बनाता है, उसके साथ फलाम मुल्क उसके साथ OIC की तल्लुक बनाती है, जबकि अगर हम हकीकत पसंदी का आईना लगा कर देखें तो इंडिया के साथ तल्लुक इस वजह से बनाते हैं कि इंडिया एक इकोनॉमी की मार्केट है।
अच्छी इकोनॉमी है उसकी, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, उसके बाद उसके साथ हर मुल्क तल्लुक बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी OIC के फॉर्म पे, फलाने फॉर्म पे, फलाने फॉर्म पे हमारी मुल्क बात सुने, सऊदी अरब हमारी बात करे, वहाँ पे हम एजेंडा हमारा हो, तो हमें इकोनॉमी पे अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल, ये बात मैं इसे 100% एग्री करता हूँ कि ये नहीं कश्मीर का इशू, कोई भी इशू है, अगर हम चाहते हैं कोई कंट्री हमारी बात सुने या हमारे साथ खड़ा हो, हमें पहले अपने आप को उस लेवल पे करना है कि हमारी बात सुनी भी जाए और हमारी बात अथेंटिक भी हो। अगर OIC की बात करें तो उसका तो कैपिटल भी जो सा कैपिटल है वो भी जो सा वो सऊदीया में है, रियाद में है, बिल्कुल रियाद, फिर भी वो वहाँ पे जा रहे हैं। सेकंडली ये बात आपने बोला इकॉनमी बेहतर होगी तो ही हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, तो हमें ये बात समझ क्यों नहीं आती? ये आप जैसे एजुकेटेड लोग हैं या मुझे थोड़ा शायद समझ आता है, अदरवाइज हम तो सिंपल एक ही बात करते हैं, भाई भूखे मर जाएंगे, घास खा लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे या ये नहीं करेंगे, मतलब जज्बाती बात करते हैं इकॉनमी के ऊपर या प्रैक्टिकल बात क्यों नहीं करते? असल में मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह अगर आपने देखना है तो आप लिटरेसी रेट देख लें हमारा, अगर हमारा लिटरेसी रेट ही अच्छा नहीं है, हमें चीज़ों का इदराक ही नहीं है, देखें नॉलेज ही नहीं है, हमें पता नहीं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। भाई दुनिया बदल गई है, आप हम बात करते हैं 70 के ज़माने की, ये 1970 नहीं है भाई, ये 2023 है, दुनिया बदल गई है, हमें भी बदलना होगा खुद को, जबकि हम उसी ज़माने में फिर रहे हैं, हम वही बातें करते हैं, हम वही डिमांड करते हैं। सऊदी अरब को हमारे से कोई मफाद नहीं है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। हम जब भी सऊदी अरब के पास गए हम उधार लेने के लिए गए हैं, हमें मफाद है, हमें मतलब है सऊदीया से हो या इवन तुर्की से हो। आप ये देख लीजिए कि सऊदी अरब में, UAE में, इन गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा लेबर भारत की है। हम भारत को डिक्लेयर करते हैं कि वो हिंदू स्टेट है, जबकि UAE और बाकी गल्फ स्टेट ने इस वजह से रखा हुआ है कि वो इकोनॉमी अच्छी है उसकी, उसके तालुकात अच्छे हैं, इंडिया ने खुद को मनवा लिया है, हम नहीं मनवा सके हैं। और दूसरे नंबर पे जो जॉब्स की आपने बात की है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं जॉब करने वाले वो इंडियंस हैं, आपको ये भी फिर आइडिया होगा कि इंडियंस वहाँ पे किस लेवल पे जॉब कर रहे हैं और अगर पाकिस्तानी जाते हैं तो वो किस लेबर लेवल पे या कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, ये उसमें एजुकेशन का फ़र्क है या फिर वैसे ही प्रायोरिटी है या ट्रस्ट इशू है? पॉलिसीज़ का फ़र्क है, इंडिया के लोग हर लेवल पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ खाक रूप भी इंडियन है और आप दुनिया में बड़ी 5 कंपनीज के CEOs भी इंडियन है, तो आप ये देखिए YouTube, Microsoft, इस तरह की Google, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सिर्फ बाकी दुनिया को वर्कर दे रहा है, बल्कि वो हर तरह के लोग पूरी दुनिया को मुहैया कर रहा है, ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, हम इसको ब्रेन ड्रेन नहीं कहेंगे, यहाँ पे तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो ज़हीन लोग हैं वो यहाँ से बाहर जाते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये हमारी पॉलिसीज की नाकामी है, लाइलमी है और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। देखिए आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा तबका है, आपके इस चैनल की वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ यूथ है, जिस तरह यूथ के साथ यहाँ पे स्पेशली पॉलिटिकल सिस्टम में रवैया रवा रखा जाता है, उनको मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उसका मतलब ये आ रहा है, मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, मतलब ये आ रहा है कि हम यूथ को हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से मुतनफर कर रहे हैं, आगे आने नहीं देंगे, बैन लगाया हुआ है जो उनसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन है और ये बड़ी हैरत वाली बात है, हैरत वाली बात है। हमारा आने वाला यूथ जो है वो ये समझेगा कि भाई मेरा तो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम को इन बुढ़े सियासतदानों की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है ही नहीं है, अगर हम आगे जाएंगे हमें या तो पकड़ा जाता है या तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है या आगे आने नहीं दिया जाता। अपने दौर में ये जो बुढ़े सियासतदान जो आपने बोला, जैसे कि शेख शहीद हैं, एतजाज अहसन है, इस तरह के कई हैं, इवन इमरान खान साहब की बात करें, सराजुल हक साहब की बात करें, बड़ी बड़ी पार्टीज के लीडर, ये भी अपने दौर में स्टूडेंट रहे हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आगे हैं, लेकिन ये शायद समझ गए हैं कि जैसे हम आगे आगे वैसे कोई और ना आगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जगह जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे ख्वाजा साद रफीक MA कॉलेज से पढ़े हैं, ये GC है, यहाँ पे बड़े बड़े अदारे सारे सदन इसी शहर से पढ़े हुए हैं, यहाँ से गए हैं, याचिसन से चौधरी निसार, इमरान खान यहाँ से पढ़े हुए हैं, वो सारे यहाँ से गए हुए हैं। अच्छा, थोड़ी सी अब बात करते हैं टूरिज्म के हवाले से, जो G20 की मीटिंग टूरिज्म के हवाले से हो रही है और इनसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है, हम मोस्टली बात करते हैं 2-4-5 मिनट की, लेकिन ऐसा कर रहा है कि इन्हें प्रॉपर बिठाया जाए और बहुत सी गुफ्तगू की जाए। लेकिन अच्छा, टूरिज्म के हवाले से अगर बात करें, कहते हम ये हैं कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीर जन्नत की तरह है, हमने टूरिज्म के हवाले से वहाँ पे क्या किया और इंडिया साइड जो कश्मीर है वहाँ पे वो टूरिज्म के हवाले से क्या कर रहे हैं, आपको क्या इसमें डिफरेंस क्या है? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ सिर्फ टूरिज्म जो है उसका राग लापा जाता है, जबकि टूरिज्म के लिए ना मुकम्मल प्लानिंग है, ना हमारे पास बजटिंग मौजूद है, हमारे पास तो सिर्फ जो रिलीजियस टूरिज्म है ना हमारे पास वो ही ख़त्म नहीं होती। आप एक मिसाल ले लें, यहाँ पर करतारपुर बनाया गया है, करतारपुर हमारे लिए कितना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना था, लेकिन हमने उसको पॉलिटिसाइज़ किया, पॉलिटिसाइज़ करके बल्कि वो हमारे लिए एक हवा बन गया, हमारे लिए एक मसला बन गया, ये तो सिर्फ एक सिखिज्म का था, यहाँ पे हिंदुइज्म के कितने कितने बड़े स्पॉट मौजूद हैं, इवन कश्मीर में बड़े थे ऐसे कश्मीर, आप तो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो पंजाब में टूरिज्म के स्पॉट हैं, हमारे अपने
कहने की हमारी शाहराग के नीचे जो पड़े हुए हैं हम तो उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जो बलोचिस्तान में ग्वादर तक जो दूर पड़े हुए हैं उनकी तो बात करना बड़ी दूर है। तो वो अगर जैसे कश्मीर को डेवलप कर रहे हैं दिन ब दिन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वहां पे है, अभी वहां पे मैं सुन रहा था अंडर जोन है वो एक टनल जोन है वो बनाई जा रही है, इसके अलावा और बहुत सी डेवलपमेंट के काम वहां पे, रेलवे का स्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो ये हमारी जो कश्मीर की आवाज़ है जो हम 75 साल से आप भी डेफिनेटली सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता आ रहा हूँ स्टूडेंट लेवल से, स्कूल लेवल से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मर जाएंगे लेकिन कश्मीर नहीं देंगे, ये ना हो के कल को कश्मीरी कह दें भाई आप मर जाओ हम कश्मीर हम यहाँ आएंगे नहीं। किस कल की बात कर रहे हैं? अच्छा। ये गुजरे हुए कल में हो चुका है, आज भी हो रहा है। आप कभी यही माइक ले के कश्मीर चले जाएँ और आप कश्मीरियों से ये पूछें कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आप आज़ाद रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 5% कश्मीरी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, वगरना कश्मीरी ये कह चुके हैं कि भाई या तो हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए या हमें इंडिया के साथ रहने दो। उनका मुद्दा यही रहा है मेरे भाई कि हमें तब तब जबर किया जाता है हमारे ऊपर, तब तब जुल्म किया जाता है जब पाकिस्तान हमारे हक में आवाज़ उठाता है। पाकिस्तान इंडिया के साथ अपनी डिप्लोमेसी खेलता है और हमें तंगी का सामना करना पड़ता है। ये बड़ी अफसोस वाली बात है और ये पहली दफा एक भाई से सुन रहा हूँ कि भाई जब तक जब हमने कश्मीरियों के हक में आवाज उठाई है तब तक उन्हें वो शर्मिंदगी का या नुकसान का या जबर का सामना करना पड़ा है। इसके पीछे लॉजिक क्या मुझे समझ नहीं आई। मतलब आप अगर कहा जाता है कि ये भाई परेशानी में है तो मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा तो आपको तो खुश होना चाहिए अगर आप परेशानी में हैं। लेकिन जो आवाज हम कश्मीरियों के लिए उठा रहे हैं उस आवाज से अफसोस की बात है कश्मीरी बड़ी अच्छी तरह से आगाह है। हमने सिर्फ एक एहतजाज बुलंद किया है, हम कश्मीर डे के ऊपर हमने लोगों को बाहर खार किया सड़कों के ऊपर, लेकिन इंडिया ने ऐसे नहीं किया। इंडिया ने अपनी पॉलिसियों से, आप उनके जो एक्ट्स हैं वो देख लें, आप उनकी कोई मसला नहीं, ठीक है, आप उनकी 2019 की पॉलिसीज देख लें, स्पेशली जो उन्होंने कश्मीर के ऊपर लागू की वो अपनी पॉलिसीज के जरिए, अभी जो G20 का जो इजलास हो रहा है वो देख रहे हैं, वो काम के जरिए कश्मीर को अपना साबित कर रहे हैं, कश्मीरियों के दिल जीत रहे हैं, दिल जीत रहे हैं। हम एहतजाज से आगे जरा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं, तो भाई अगर यही रहेगा तो दुनिया जान लेती है कि आप सिर्फ हमारे हक में खड़े हुए हैं। वो कहते हैं भाई आप खड़े हो रहे हैं तब से, आप थक जाएंगे, आप प्लीज बैठ जाएं, हमारा अल्लाह हाफिज है। ये बड़ी अफसोस वाली बात है कि मतलब हम जो 75 साल से जो नारा लगाते आए हैं आज वही चीज़ जो दुनिया, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, एजुकेटेड लोग सामने आते जा रहे हैं और जो झूठ है वो भी एक्सपोज होता जा रहा है, रियलिटी भी सामने आती जा रही है। मजीद ये चूरन बिक पाएगा, मजीद ये नारे चल पाएंगे, चाहे कश्मीर का हो चाहे मजहब का हो, मतलब सिर्फ नारे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं। मैं कहता हूँ इंडिया साइड कश्मीर को तो आप एक मिनट के लिए छोड़ें, पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कश्मीर है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं जी बिल्कुल है। क्या उसके लिए हमने किया आप मुझे बताएंगे? क्या यूनिवर्सिटीज बना दी, कौन से हमने कॉलेजेस बना दिए, क्या मेडिकल का सिस्टम बेहतर कर दिया? कुछ भी नहीं किया। आप कश्मीर का हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान देख लें, आप कश्मीर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर देख लें, हमारे यहाँ सियासत का इतना गहरा और सिर्फ सियासी तौर पर कश्मीर को इस्तेमाल किया जाता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब से कश्मीर हमारे साथ मुंसलिक है कोई भी सियासी पार्टी वहाँ नहीं जीत सकती जब तक वो वहाँ ना जीती हो। वही पार्टी हमेशा बरसर इकतदार रही है कश्मीर में जो पाकिस्तान में इकतदार बनाती है। इसका मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो फिर हम आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं और ये भी बड़े खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भाई हमने तो कश्मीरियों को बिल्कुल अलहदा रखा हुआ है, वो मतलब कह लें कि उनका प्राइम मिनिस्टर अपना है, उनकी असम्बली अपनी है, उन्हें अख्तियार है, राइट है कि वो जो मर्जी करें, इसका मतलब है ये एक फॉर्मेलिटी है। आप मिसाल दे, अभी मिसाल ले लें, पाकिस्तान में जो हमारा रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके जो ताने बाने हैं वो कश्मीर के साथ गए, कश्मीर को उसने मुतासर किया है, वहाँ के वज़ीर आज़म को नाहल किया गया, उसके बाद नया वज़ीर आज़म लाया गया और नया वज़ीर आज़म वहाँ के स्पीकर बने, वहाँ वज़ीर आज़म करने के लिए कोई तैयार नहीं था। यहाँ आपने करंट सिचुएशन देखी तो पाकिस्तान का आप ये समझते हैं अगर हम कश्मीर को साथ रखना चाहते हैं लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का उनके ऊपर परछाई ना पड़े तो भाई आप दीवानों की किसी दुनिया में रहते हैं, हकीकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। मैंने बोला कभी कश्मीर विजिट करें तो आपको आइडिया होगा, मैंने लास्ट मंथ ही कश्मीर विजिट किया और मैं बहुत ईमानदारी से ये बात करता हूँ कि ये भाई ने जो बात की है कि कुछ बहुत कम लोग हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादातर ये अगर कुछ कहते नजर आएंगे कि पाकिस्तान के साथ रहना है ये है, अदरवाइज वो यही कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए या फिर जो हमें डेवलपमेंट के काम देगा, जो हमें बेहतरी हमारी हमें सस्ती रोटी सस्ता आटा देगा और हमें आज़ादी देगा, हकीकी मानों में आज़ादी देगा, हम उसके साथ रहना चाहेंगे। लास्ट में मुझे ये बता दें, ये सिंपल सिंपल बातें हैं, ये मुझे समझ आ रही है आज के दौर के यूथ को, आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं लेकिन हमारे पॉलिटिशियन आज भी वो नारा क्यों लगा रहे हैं? और दूसरे नंबर पे जो अनएजुकेटेड लोग हैं या जो थोड़ा एजुकेशन से दूर हैं उन्हें अगर आप ये बात करेंगे कि भाई वहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट हो रही है तो वो कश्मीरी वहाँ पर जाना चाहेंगे या लहदा, वो आपको अगर दार कह देंगे, वो कह देंगे ये देखो ये तो इंडिया के हक में बात कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से नहीं, आपको बाहर से मिसाल लेता हूँ।
अमेरिका ने 2022 में सिर्फ सऊदी अरब को 21 अरब डॉलर के हथियार बेचे हैं। अगर सऊदी अरब ईरान के साथ सुलह कर ले तो वो अमेरिका के हथियार कौन लेगा भाई? अगर पूरी दुनिया में सुलह हो जाए तो फिर हथियार किस उसके कौन लेगा? तो वो यही चाहता है कभी सुलह ना हो। हमारे यहाँ जो मसले उलझे हुए हैं उन उलझे मसलों से बड़े लोगों की रोटी चलती है, पेट चलता है। अगर ये मसले हल हो जाएंगे तो भाई रोजी रोटी बंद हो जाएगी। उसकी सऊदीया की बात की, ईरान की बात की, तो वो चाइना ने थोड़े बहुत रिलेशन बेहतर करवाए आपको ये भी? जी बिल्कुल बिल्कुल है। चाइना सऊदी और ईरान के रिलेशन बेहतर करवा सकता है? बिल्कुल, नेबर में इंडिया है, बिल्कुल नेबर में पाकिस्तान है, तो हमारे रिलेशन कश्मीर के मामले में क्यों नहीं बेहतर करवा देता? मतलब दूसरे घर जाके हम बन रहे हैं। एशिया के खित्ते में अगर बात करें, अपने हमसायों के रिलेशन क्यों नहीं बेहतर करवा पा रहा? कैसे करवाए आप? वो मोदी का मुझे शर्म आ रही है उसकी मिसाल लेते हुए। मोदी की पिछले साल की एक तकरीर थी, वो सियासी कटहरे में जो उसकी होती है, वो कहता था कि मैं पाकिस्तान से जब भी सुलह की बात करने गया हूँ मुझे समझ नहीं आती मैं किससे बात करूँ, आर्मी से बात करूँ, पॉलिटिकल उनकी सियासी क्यादत से बात करूँ, मैं किससे बात करूँ, ISI से बात करूँ? इन्होंने ये मैंने ये सुना है उन्होंने डायरेक्टली बोला था, तो क्या उनकी बात से आप डिसएग्री करते हैं? क्या उन्होंने ये गलत बोला? यानी क्या पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई भी, आप तो ये इंडिया की बात छोड़ें, कोई इन्वेस्टर ही अगर पाकिस्तान में आना चाहे तो एक दफ़ा कन्फ्यूज़ होता है कि मैंने बात किससे करनी है? मेरे ख्याल में बात उसकी अफसोस के साथ ठीक है। बात ठीक है, कोई बेहतरी की उम्मीद है, कोई हम चेंज ला सकते हैं, या मेरे जैसा यूथ, आप जैसा यूथ ये बातें सिर्फ दिल में ही रखेगा या कहीं डिस्कशन करेगा, चेंज नहीं आएगी, ये पब्लिक को नहीं पता चलेगा? नहीं 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 नहीं, मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ, बहुत पुरउम्मीद हूँ। मैं कहता हूँ कि अब भाई, बल्कि इनको भी बताना चाहता हूँ, उन बुढ़े सियासतदानों को जो प्लानर्स बैठे हुए हैं, कि भाई अब दुनिया बदल गई है, ये 21वीं सदी है, ये ग्लोबल विलेज का दौर है, अब दुनिया की खबरें हमसे छुपी नहीं रह सकती हैं। ना ही हमारी खबर, हमारे लाहौर की हो या कश्मीर की हो, जैसे कोर कमांडर के घर में हुआ या जो भी कोई इशूज़ हो, वो क्या दुनिया के सामने नहीं जाएंगे? अब जाएंगे, अब ये खबरें छुपी नहीं रह सकती हैं। जो यहाँ पे हुकूमतें होनी थी, लोगों को अंधेरे में रखना था, लोगों को जहालतों में रख के जिन लोगों ने अपनी रोजी रोटी चलाई हुई थी, भाई अपना सामान बांधना शुरू करें, अब लोगों में शऊर आ रहा है, अब इससे ज्यादा आप लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिफतुल्लाह। आपका नाम? सदीक अकबर। क्या करते हैं आप? मैं वकील हूँ। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? लाहौर के? नहीं, मैं केपी के से हूँ बेसिकली। जबरदस्त। अच्छा, मेरा टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर OIC की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, और पाकिस्तान के रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज के साथ, खास तौर पे नेबर कंट्री अफगानिस्तान, ईरान, इनके साथ बात करें, क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे, बेहतर हैं या नहीं है, आपकी क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल में अभी इंशाल्लाह जो इस्लामिक कंट्री के हवाले से आपने बात की, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी हमारे ताल्लुकात इस्लामिक कंट्रीज जितने भी ममालिक है उसके साथ बेहतर होने वाले हैं। क्यों वाले हैं? अभी नहीं है, अभी शुरुआत हो गई है, क्योंकि जैसे आज ईरान और पाकिस्तान के बीच एक मुआहिदा हुआ है बिजली का, मेरे ख्याल में ऐसे कुछ और मामलात होगी जैसे डीजल का है, जो पेट्रोल हम उससे ले सकते हैं, साथ में अभी गैस का एक मुआहिदा उनके साथ ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन आज मुआहदा हुआ है, वो मुआहदा तो हुआ है, ये छोटे मोटे मुआहदे होते रहते हैं, लेकिन जो गैस पाइपलाइन का मुआहदा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर ईरान वाले पाकिस्तान को फाइन कर रहे हैं कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट पूरा ना किया एक साल तक तो आपको हमें फाइन देना पड़ेगा, ऐसा 18 बिलियन तक। ये भाई कह रहे हैं रिलेशन बेहतर होने वाले हैं। असल में जो शुरुआत हुई थी गैस पाइपलाइन का, उसमें कुछ ऐसे ममालिक थे जो वो इन्वॉल्व थी कि पाकिस्तान का और ईरान का ताल्लुकात अच्छा बनाने में उन लोगों की ये साजिश थी कि ये ताल्लुकात बेहतर ना हो, लेकिन अभी माशाल्लाह जो आज जो दोनों ममालिक के बीच जो कंट्रैक्ट हो गया है या जो हो गया है जो भी, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उम्मीद है कि बेहतर हो। मैं भी यही चाहता हूं कि ईरान हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी हो, रिलेशन बेहतर हो, लेकिन अगर अभी सऊदीया, अभी ईरान की बात की, सऊदीया की बात करें, वो कश्मीर में जा रहा है G20 की मीटिंग अटेंड करने, और OIC का शायद मेन जो मेन कुछ मकसद थे उनमें से सबसे बड़ा मकसद जी कश्मीर को लेके था, आज OIC में सऊदीया आता है और वो कश्मीर में जा रहा है G20 की मीटिंग अटेंड करने, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर जी ये जो सऊदी और ईरान है ना, ये आर्क राइवल है एक दूसरे के, इसके जो रिलेशन हो रहे थे, चाइना इसके दरमियान मीडिएशन कर रहा था, ठीक है, तो उधर हाँ वो भी हो कर रहे थे कि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए, तो अब उनके वो जो सिफारती वो ताल्लुकात है, उन्होंने कहा है कि हम एक दूसरे के वो सिफारत का खाना जो
2016 से बंद देना उसके वो ओपन करने का वो जी, लेकिन मेन जो वाईसी का वो जो है ना ये 56 ममालिक का वो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये है कि इस्लामिक कंट्री में जितने भी वो इस्लामिक ममालिक के दरमियान जितने तनाज़ात है इसको वो उबार करेंगे ना, तो ठीक है। तो अब ना कश्मीर इशू भी एक इस्लामिक कंट्री का वो है, लेकिन अगर हम बात करें ना सऊदी अरब इतने स्टांस नहीं ले रहा है कश्मीर के इशू पे, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में पाकिस्तान से 100 बिलियन ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर 20 मिलियन बिलियन की है तो वहाँ पर एक 120 बिलियन की है, तो इसलिए ये रिलेशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान दोनों को एक साथ लेके जा रहा है, ईरान को भी और साथ ही साथ सऊदी अरबिया को भी। का भी बड़ा बड़ा जो है वो प्रॉपर स्टैंड रहता था कश्मीर के मामले में, स्टांस रहता था, लेकिन रिसेंटली G20 का ही वो पार्ट है Y20 यूथ 20 आप जाके सर्च करिएगा, जो लास्ट वीक हुई है जो एजुकेशन के हवाले से थी आई थिंक या यूथ के हवाले से थी, उसमें तुर्की भी कश्मीर में मौजूद था, कश्मीर में मौजूद था, लेकिन इस वक्त जो G20 का जो सदारत का वो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है, तो इंडिया तो ये नहीं चाह रहा, वो तो नहीं चाह। वीडियो का टाइटल था सऊदी बैक्स इंडिया एंड जस्ट पाकिस्तान एंड दैट्स 100% ट्रू। वजह क्या है, जिस तरह वो भाई बड़ी अच्छी बात है कि उस पर सब लेवल शेयर बैंक की सारी ही वीडियो दो एक और से बात की तकरीबन सारी वीडियो उस पर ना रहे, वो बातें बड़ी खरी कर रहा था, है तो पाकिस्तानी। अब जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उनको कहीं ये समझेंगे कि वो शायद इंडिया का पिट्ठू है, रॉक है, जंट है, मोदी का पिट्ठू है, मतलब क्या क्या फला फला बोलते हैं, जिस तरह बकवास करने के आते पाकिस्तानी को जो सच बोलता है। बात ये हकीकत है कि इस दुनिया में हत्ता के आपके भाई को आपसे अगर कोई रिश्ता रखना है तो वो भी किसी न किसी लालच के तहत होगा, मतलब किसी न किसी मफाद के तहत होगा, मतलब कभी ये सोच लें दुनिया में आज रिश्तेदारी है या कोई एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप है तो वो 80% या 90% बेस करती है किस पर, आपके मफादात पर, बाहमी मफादात पर, कि आपके उसके साथ मफादात कितने हैं। तो पाकिस्तान के साथ किसी के कितने मफाद हैं ये तो सबको पता है। पाकिस्तान ने आज तक दुनिया को दिया क्या, पाकिस्तान पहले कभी जरिए मुल्क हुआ करता था, गंदम बेचता था दूसरे कंट्रीज को, मतलब एक्सपोर्टर हुआ करता था, अब गंदम का इंपोर्टर बन गया। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स होने वाली है, और सऊदी अरब यार ये ऐसी बात है जैसे कमी होता ना, कमी हम कहते हैं गांव में, या मजारा होता है, मजारे और एक मालक का रिश्ता हमारा और सऊदीया का, मजारे हम मजारे हैं उनके और सऊदीया जो है वो हमारा है, अपने आप को समझता है कि मैं उनका मालिक हूँ। मजारे और जो है ना मालक के दरमियान कभी भी रिश्ता इक्वल नहीं हो सकता, और इंडिया और जो है सऊदी अरब का रिश्ता ऐसी है जैसे एक भाई होते हैं, फ्रेंड होते हैं, क्लास फेलो होते हैं, क्लास मेट होते हैं, ये डिफरेंस है। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया से उनको लालच है, बहुत बड़ी मंडी है, उनकी चीज़ें बिक रही हैं, उनसे ले रही हैं, डिफेंस के लिहाज से देखें दुनिया की वो चौथी बड़ी ताकत है, इकॉनमी के लिहाज में दुनिया की पाँचवीं बड़ी इकॉनमी, हर चीज़ में अलबत्ता आईटी का सेक्टर देख रहे हैं दुनिया की तीसरी चौथी जगह पर आता है इंडिया, तो यही फर्क है। आज तक पक्ष ने क्या दिया, पाकिस्तान ने जब जो कुछ दे सकता था ना, पाकिस्तान ने भी काफी कुछ दिया, पाकिस्तान ने जो है ना नमक एक्सपोर्ट करता था, गंदम एक्सपोर्ट करता था, और फल एक्सपोर्ट करता था, चावल एक्सपोर्ट करता था, इस तरह की और भी काफी एशिया है जो एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अभी जो भी देखें कि कोई हुकूमत जो हमारी नहीं है, कोई भी ये तो निगरान हुकूमत है, इनके अपने मसले नहीं खत्म होते, इनको अपनी कुर्सी की पड़ी, इतने मुल्क की तरक्की क्या खास करवानी है, कुछ करना है, इनको इकॉनमी से कोई लेन देन नहीं है, ये इमरान खान पर ब्लेम करते हैं और इमरान खान जो है इन पर करते हैं, बस इनका ये चल रहा है। जो इंडिया के जो उनकी लीडरशिप है उनकी सिर्फ यही है तवज्जो है कि अपने मुल्क की जो है इकॉनमी उसको मजीद से मजीद बेहतर करना है। अभी उनकी पांचवी इकॉनमी और वो कह रहे हैं कि दावा किया कि हम 2026 तीसरी करते हैं, तो उनकी सोच में और हमारी सोच में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। भाई आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैंने उस भाई की बातें सुनी, उस भाई की तमाम बातें 100% ठीक थी, और उसमें सबसे बड़ी बात ये कही थी कि सऊदीया को पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है, ये तो पाकिस्तान का होता है, जब पाकिस्तान को पैसे चाहिए होते हैं वो कभी तुर्की के पास चला जाता है, कभी दुबई के पास चला जाता है, कभी उसके पास सऊदीया के पास चला जाता है कि हमारा बराबर मुल्क है, इस्लामी भाई है,
तो वो कसम ही है पाकिस्तान समझता है ये सारे मुसलमान हमारे भाई हैं, लेकिन वो ठीक है नहीं समझते। आप एक आम आदमी से अंदाजा लगा रहे हैं कि एक आम आदमी जो है ना वो इकोनॉमिकली अगर फिट होगा ना तो सब दोस्त के साथ अलग रखेंगे, क्योंकि सभी को ये होगा कि हमें किसी वक्त भी तो इस बंदे से पूरी की जाएगी। यही हाल है इंडिया का। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क होने के साथ साथ लेबर जो है ना लेबर भी पूरी दे रहा है दूसरे मुल्कों में, और इससे बड़े लेवल पे जो भी उसके होते हैं ना पढ़े लिखे बंदे वो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुल्क होने के साथ इकोनॉमिकली और हर लिहाज से फिट मुल्क है जिसके साथ उसने ताल्लुकात रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो किस वजह से ताल्लुकात रखेंगे? आए मेरे ख्याल में जब कोई मसला मसाइल होगा कोई लड़ाई वगैरह होगी तो तब पाकिस्तान को कुछ डॉलर दे के वो बुला रहे हैं कि भाई फौज भेज दें हमारी थोड़ी मदद कर दें, बस यही होगा उनको मुफाद। और मैं हमारे साथ दो नेचुरल बैठे हैं अली इस्नैन, तुम क्या कहना चाहते हो? ये सारी बातें भाई की भी सुनी, टॉपिक भी सुना, सऊदी अरब इंडिया की तरफ झुक रहा है, सारे मुस्लिम कंट्री उधर झुक रहे हैं, बता के यहाँ तक कि जो G20 का समिट है उसमें भी सऊदीया जा रहा है, तुर्की भी गया हुआ है, तो क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान का नारा जो है मुसलमान भाई भाई, कुछ कहना चाहते हो? क्यों देखे समझ नहीं आई, एक मिनट उससे पूछ रहे, समझ नहीं आई, ये बोलना नहीं चाहते, क्यों नहीं बोलना चाहते? सच बोलना चाहिए, सच बोलेंगे नहीं सुनेंगे नहीं तो आप कहाँ से आगे बढ़ेंगे? देखो भाई जो है ना इस्लामी ममालिक जो OIC की तंजीम के जो रुकन ममालिक है ना ये देखे तो बगैरती कर रहे हैं, जो आप OIC की तंजीम को छोड़कर इसका नहीं होकर इंडिया के साथ ये OIC बनाई किस वजह से थी? मुसलमान भाई भाई नहीं नहीं, 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 नहीं भाई भाई नहीं, ये सऊदीया ने अपने मफाद के लिए बनाई थी कि उसकी किसी शाम के साथ ईरान के साथ या किसी और मुल्क के साथ लड़ाई हो ना तो तब ये जो OIC की ममालिक है ना ये उसकी हेल्प के लिए आए या बुलाया जाए। वो कंट्री तो OIC में शामिल है सारे वो इस्लामिक ममालिक है, लेकिन मसला ये है कि मकसद यही था कि जितने मुस्लिम ब्लॉक बनाया जाए ये सोचती जुल्फकार अली भुट्टो की शाह फैसल की थी, जुल्फकार अली भुट्टो की थी, उसके बाद वो मोहम्मद कज़ाफी की थी, और उसके बाद वो जो लिबनान का क्या लिबनानी वो दूसरा उसका नाम मुझे भूल गया, खैर ये ऐसे बड़े चंद नाम और यकीन करूंगी मैं सब हाँ सब की मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, सबको कत्ल किया गया, ये सारी प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया, सबको अमेरिका ने कत्ल करा, क्योंकि पता है ये ब्लॉक बन गया, मरवाया गया, उसके बाद कदाफी को मरवाया गया, सदाम को मरवाया गया, ये शाह फैसल को उसके भतीजे ने सरेआम गोली मार दी, वो भी अमेरिका ने मरवाई थी। तो ये सारी सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान और समझता है कि मुसलमान भाई भाई, लेकिन अब मफाद जहाँ जिसके मफाद होंगे वो दौर खत्म होगा, कोई रिश्ता नहीं, किसी का रिश्ता तो सबके साथ कंट्री है या यहाँ तक कि एक दूसरे की फैमिली में भी है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के मफाद है, पर इंडिया के साथ जो लोगों का मफाद है वो बढ़ा है, आज दुनिया उनकी तरफ झुक भी रही है। पता है क्यों? इंडिया का मेन मकसद ये है कि वो अपने गोल सेट करके बैठे हुए हैं, वो अपना गोल अचीव कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और पाकिस्तान का कोई मकसद नहीं। मैं कहता हूँ आने वाले 2-3 साल में कोई होता ना प्लान अचीव करना वहां पे पहुंचना, वो कोई नहीं है, सिर्फ ये इनका मकसद होता है उतारना किसको, बिठाना किसको, ले जाना किसको है, क्या करना है, किसको पकड़ना है, इंडिया तो है। पाकिस्तान में चले हैं और इस वजह से कोई भी पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखने में कोई भी खुशी महसूस नहीं करता, मैं तो यही समझता हूँ। तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नई वीडियो बनाकर, चाहता हूँ तब दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।